नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आज हम बना रहे हैं अरबी के पत्तों के पकौड़े, जिसको हम आज बना रहे हैं और देख लेते हैं इसके बनाने की विधि और समाप्ति। अरबी के पत्ते की पकौड़ी बनाने के लिए हमने करीब 30 से 35 पत्ते लिए हैं, जिनको हमने धो लिया है और साफ करके इसको हमने, और इसकी जो डंडी वो लगी होती डंडी मैंने इसको कट कर लिया है। इससे हमने 30 से 35 हमने पत्ते लिए हुए, और इसमें हमारा एक कटोरी बेसन रहेगा और एक कटोरी हमारा चावल का आटा रहेगा, और इसमें हमारा गरम मसाला करीब 1 चम्मच, हल्दी, मिर्च और धनिया ये हमने ले रखा हुआ है। हल्दी हमने 1 चम्मच और मिर्च हमने तीखे के हिसाब से हमने 1.5 चम्मच ले रखा हुआ है। 2 चम्मच है हमारा धनिया पिसा हुआ, और आमचूर पाउडर करीब 1 चम्मच है हमारा, अजवाइन 1 चम्मच, लहसुन करीब 25 से 30 कलियाँ, इसमें हमने लहसुन ज़्यादा डाला हुआ है तो इसको हमने क्रश कर लिया हुआ है, हींग 2 चुटकी डालेंगे, तलने के लिए तेल, थोड़ा सा पानी और नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार लेंगे। सबसे पहले हम इन पत्तों को बारीक बारीक काट लेंगे। इस तरह हम पत्तों को लेके रोल कर लेंगे और इसको हम ऐसे काट लेंगे। इससे पहले मैंने आप नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको इसका पात्रा बताया था रोल करने वाला, और इस बार हम आपको उसकी पकौड़ी दिखा रहे हैं। इन सारे अरबी के पत्तों को हमने काट लिया है। अब इसमें हम 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी, अजवाइन, और इसमें हमने 3 मसाले हल्दी, मिर्च, धनिया ये डाल देंगे, और गरम मसाला, लहसुन, पिसी खटाई, नमक और हींग। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे, पानी में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और थोड़ा थोड़ा ही करके डालना है, इसलिए कि ये थिकी रहे और इससे हमारी पकौड़ी सही बनेगी। हमने मिक्स कर लिया है, पानी इसमें हमने बहुत ना मात्र का डाला हुआ है, और पानी आप अपने मतलब जैसे जैसे सनता जाएगा, मिक्स होता जाएगा, वैसे वैसे इसमें हल्का सा पानी डालें, और ये हमने इसको मिक्स कर लिया है। हमने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल के इसको गर्म होने के लिए रख दिया है, और ये अब हमारा ये गर्म करीब हो चुका है, और ये भी हमारा ये सेट हो गया है। अब इसको हम छोटे टुकड़े कर इसको ऐसे करके डाल देंगे। हम चेक कर ले रहे हैं, हाँ तेल हमारा हो गया है। अब इसमें हम इसे हम पूरी कढ़ाई में इसको डाल देंगे, और इसको हम धीमी धीमी आँच पे, धीमी क्या मतलब एक मीडियम आँच पे इसको हमें सेकना है। एक तरफ ये सिक जाएगी तो इसको हम पलट देंगे। अब हमारी एक तरफ ये सिक गई है, अब इसको हम पलट लेंगे, और इसको हमें कुरकुरी होने तक इसको फ्राई करना है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, ये हमारी कुरकुरी हो गई, अब इसको हम एक बर्तन में निकाल देंगे।
अब इस तरह हम इसको हम पलट देंगे। पकौड़ी हमारी एक तरफ से कुरकुरी हो गई, अब दूसरी तरफ से इसको सेक लेंगे। अभी हमारी दोनों तरफ से कुरकुरी हो गई है पकौड़ियाँ, अब इसको हम निकाल लेंगे। लीजिए तैयार है अरबी के पत्तों की पकौड़ियाँ, आप इसे बनाइए खिलाइए। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।